वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। इस शेयर का प्राइस आपके सामने 21 रुपये 15 पैसे और इसकी जो डे की क्लोजिंग है वो करीब 5% हाई पे दी है। अब एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है आपके सामने। मैं बताता हूँ आपको, पहली वीडियो मेरे पास इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने 6 फरवरी को, उसके 20 फरवरी को दोबारा बनाई थी, 21 को बताई थी और 21 मई को ही बनाई थी, और उसके बाद एक बनाई थी मैंने 10 जून को, और 10 जून को मैं एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कुछ पैनी शेयर जो आपको रखने चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट हो। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम किसी को ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, मैं फाइनेंस के ऊपर आया हूँ। और एक बात और बता दूँ, ये कंपनी डिविडेंड देती है। इसके बाद आते हैं फाइनेंस के ऊपर। जैसे हम फाइनेंस के ऊपर आए हैं, लास्ट 4 ईयर का रिवेन्यू आपके सामने 2018, 19, 20 और 21 आपके सामने। 2018 में इसका टोटल रिवेन्यू 46 करोड़ था, 2019 में 52 करोड़ हो गया, और 2020 में 47 करोड़, और 2021 में 45 करोड़। आपके सामने कंपनी का रिवेन्यू एक प्राइस बैंड के आसपास घूम रहा है। अब देखते हैं टोटल इनकम। 2018 में 266 करोड़, जो 2019 में बढ़ के 371 होगी, और 2020 में थोड़ी कमी आई थी, और 2021 में भी थोड़ी कमी आई है। और आपको पता होगा इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, ये पेपर ही बनाती है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है ये। अब देखते हैं एक बार होल्डिंग। अब सबसे पहले म्यूचुअल फंड की से पहले प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। अब प्रमोटर की होल्डिंग आपके सामने है, प्रमोटर ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और दिसंबर के बाद ये आपके सामने प्रमोटर इसमें लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा था। और मैंने जो वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो बनाई थी मैंने इसमें फरवरी में, 6 फरवरी को, और प्रमोटर की आज के टाइम में 73% होल्डिंग, काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और उसके बाद आप देखो म्यूचुअल फंड देखते हो आप, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है। पहली बात तो प्रमोटर की होल्डिंग ही काफ़ी ज़्यादा है, तो और किसी पार्टी की होल्डिंग इतनी हो नहीं सकती। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बेशक 0.01% है, पर फिर भी म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है इसमें। उसके बाद DI की होल्डिंग, DI अपना पैसा निकाल चुका है। FI की होल्डिंग, FI अपनी इसमें होल्डिंग कम कर रहा है। रिटेल, बाकी सारी होल्डिंग हमारे पास पड़ी है रिटेल के पास। रिटेल में भी जो 13% होल्डिंग रिटेल के पास है, बाकी 11.72% होल्डिंग अदर पार्टी के पास है। अब एक प्राइस देख लेते हैं। आज की डेट में इसका प्राइस है 21 रुपये 15 पैसे। अगर कोई इसे ट्रेड करना चाहता है, ऑल टाइम पीक पे शेयर है, आपको 20 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड करना है, 20 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड करना है। और अपसाइड में जिस तरह मूव है, आने वाले टाइम में शायद ये 25 रुपये या 26 रुपये तक आपको शेयर जाता दिख सकता है, पर आपने ये 20 रुपये के SL को मिस नहीं करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।